हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आज आ चुका है, और जो डिसीजन है वो फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर के एक तरह से उनको मौका दिया गया है। फर्स्ट टू फोर्थ ईयर का केस डिसमिस कर दिया गया है। फर्स्ट और फोर्थ ईयर को कोई भी इससे लाभ हासिल नहीं हुआ है और इनका केस डिसमिस हो गया है। इनके पास सिर्फ ट्रांसफ़र का मौका बचता है, वो भी जो NMC गैजेट के अंदर गए थे, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच जाता नया एडमिशन के लेने के सिवा। तो क्या डिग्री, क्या डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये पहले मैंने वीडियो में आपको थोड़ा देर पहले बताया। अब आप देखिए, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, जो फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर के थे, सरकार ने साफ कर दिया गया कि इन छात्रों को भारत के कॉलेज में दाखिला देना संभव नहीं है। उन्हें दो हिस्सों में परीक्षा देकर डिग्री हासिल करने का मौका दिया जाएगा। यह सुविधा उन्हीं छात्रों को दी जा रही है जो यूक्रेन में, जिनके मेडिकल कोर्स के आखिरी 2 साल बचे थे, लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर, समझ गए। केंद्र ने क्या कहा है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन छात्रों की यूक्रेन में आखिरी 2 साल पढ़ाई बची थी, उन्हें दो हिस्सों में MBBS परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यह परीक्षा भारतीय सिलेबस के मुताबिक होगी। इसके बाद 2 साल की इंटर्नशिप भी करनी होगी। केंद्र का कहना था दोनों परीक्षा पास करने के लिए एक एक बार मौका दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे दो दो बार मौका दिए जाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भारत में कॉलेज के इन छात्रों को प्रवेश न देने के फैसले में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि नियमों में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन दोनों परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ एक एक मौका देना सही नहीं है, दोनों परीक्षा में दो दो मौका दिए जाए। इस आदेश के साथ कोर्ट ने सभी याचिकाओं की सुनवाई बंद कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब आपने समझ गया होगा, दो पेपर देने होंगे, एक फर्स्ट थ्योरी होगा, सेकेंड में प्रैक्टिकल होगा। ये पास करने होंगे दो अटैम्प्ट में, अगर पास नहीं किए तो गया आपका डिग्री। तो बेस्ट है जो बच्चे ट्रांसफ़र ले लिए वो सही रहा उनके लिए, जो बचे हुए वो भी ट्रांसफ़र ले लें मेरे विचार से, क्योंकि ये काफ़ी टफ है। अगर 2 साल में आप नहीं निकाल पाए तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, ठीक है ना। तो वेरी टफ है बच्चों के लिए, क्योंकि दो बार एक टेंशन रहेगा कि दो बार में टू अटैम्प्ट में ही निकालना है, ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट फोर्थ ईयर का बता ही दिया, इनका कोई मतलब जिनका डिसीजन जो डिसमिस कर दिया गया है, तो ये डिसीजन है दोस्तों साफ साफ।